फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स वेलकम करते हैं फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एच रेमेडी में यूज किए जाने वाले मेडिसिनल प्लांट्स नंबर 49 के ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले 1 से लेकर 48 मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं जो निश्चित तौर पर सभी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं, इसलिए सभी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंत में इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 48 नंबर वीडियो की लिंक हम आपको दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको 48 में 47 की लिंक मिल जाएगी, 47 में 46 की, 46 में 45 की, इसी क्रम में आपको सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे और सभी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सभी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं फ्रेंड्स। हम आपको बताना चाहते हैं कि ई एच रेमेडी में बनाने के लिए कुल मिला के 114 यानी कि 114 मेडिसिनल प्लांट्स को यूज किया गया है, जिसमें 8 ग्रुप रेमेडीज और 6 इलेक्ट्रिसिटी रेमेडी तैयार की गई हैं। 8 ग्रुप में जैसे आपका ए ग्रुप हो गया, एस ग्रुप हो गया, सी ग्रुप हो गया, पी ग्रुप हो गया, वर वेन, एल ग्रुप हो गया फ्रेंड्स, एफ ग्रुप हो गया, इस तरीके से आपके पास 8 ग्रुप रेमेडीज अवेलेबल हैं और 6 इलेक्ट्रिसिटीज हैं। 8 ग्रुप को मिला के 32 रेमेडीज हैं और 6 इलेक्ट्रिसिटीज यानी 38 हो गया फ्रेंड्स, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से 22 न्यू रेमेडीज बना दी गई हैं, यानी वर्तमान में आपको कुल 60 रेमेडीज मिलेंगी जो निश्चित तौर पर बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं 49 नंबर का जो मेडिसिनल प्लांट्स है, तो हम बात करेंगे इसका नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कौन सा पार्ट यूज होता है एच रेमेडी बनाने के लिए, इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी रासायनिक घटक, और इसके अंदर पाए जाने वाले जो मेडिसिन बेनिफिट्स हैं वो किस प्रकार से बेनिफिशियल हैं, इसके ऊपर बात करेंगे फ्रेंड्स। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए, जिससे निश्चित तौर पर लोगों में इस प्लांट में रेमेडीज के प्रति, इस थेरेपी के प्रति अवेयरनेस आए, जागरूकता है, और आप उनको अगर किसी को किसी प्रकार की बीमारी है तो आप उनको ठीक करने में मदद कर सकें फ्रेंड्स। आप हमारी पुरानी वीडियोज में देख सकते हैं और देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन के रोगी, काफ़ी क्रोनिक डिसीज हो चुकी थी, आज वो ठीक हो रहे हैं, और इस तरीके से कई वीडियोज अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियोज में, जो लंबे समय से किसी न किसी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, 5 साल, 10 साल, 15 साल से, आज इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से वो 3 महीने, 4 महीने में वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात चिकित्सा पद्धति में ये है कि अगर बीमारी ठीक हो गई तो फिर वो बीमारी रिपीट नहीं करती फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे आज उनकी दवाइयाँ भी बंद हो गई है 4 महीने 5 महीने में, और आज पूरी तरीके से हेल्दी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, एक स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं जो लंबे समय से सफ़र कर रहे थे। इसलिए इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुँचाइए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जैसे भी पहुँचे लोगों तक पहुँचाइए, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूकता आए और आप उनको ठीक करने में मदद कर सकें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो मेडिसिनल प्लांट्स है फ्रेंड्स, इसका नेम है हैमामेलिस वर्जिनिका। ये एक प्रकार का श्रब है, श्रब यानी कि आप समझ सकते हैं जो कि झोंड़ते हैं, यानी कि जिसके ऊपर बौंड लगती है, एक प्रकार का बेल आप उसको समझ सकते हैं, उस टाइप से होता है फ्रेंड्स। और निश्चित तौर पे ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिनल प्लांट्स है फ्रेंड्स। इसकी स्पेलिंग हम बता देते हैं फ्रेंड्स, HAMAMELIS VIRGINICA। इसका जो कॉमन नेम है फ्रेंड्स वो है विच हेजल के नाम से इसको जाना जाता है, WITCHHAZEL। इसका जो पार्ट यूज होता है फ्रेंड्स, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं और ब्रांचेस ऑफ रूट, यानी कि ऊपर का भी, यानी कि ग्राउंड के ऊपर का भी और ग्राउंड के नीचे का भी, यानी कि जड़ का भी, और इसके जो तने का होता है, जो ब्रांचेस होती हैं, उससे रेमेडीज तैयार की जाती है और बहुत ही इफेक्टिव से रेमेडी बनती है फ्रेंड्स। इसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी रासायनिक घटक हैं वो है हैमामेलिटेनिन, और इसके साथ साथ गैलोटेनिक एसिड और ऑक्जैलेट कैल्शियम एंड गैलिक एसिड इसमें से पाई जाती है फ्रेंड्स, जो निश्चित तौर पे बहुत ही इफेक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो स्पेशली नर्व्स के ऊपर, ब्रेन के ऊपर काम करती है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ आर्टरीज के ऊपर और वेन के ऊपर भी इनका बहुत अच्छा एक्शन है, एक्सेस ब्लीडिंग के ऊपर इनका बहुत अच्छा एक्शन है फ्रेंड्स। यानी कि एक प्रकार की ऐसी रेमेडी है, यानी कि इसका जो मेडिसिन बेनिफिट्स है, ये एंटी हीमोलॉजिक रेमेडी के नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स, यानी कि जिनको शरीर के अंदर कहीं भी अगर बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे कंडीशन के लिए यह रेमेडी बहुत ही यूनिक है। स्पेशली अगर नर्व्स में अगर किसी प्रकार की किसी समस्या हो गई है और वहाँ पर एक्सेस
एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। वेरिकोस वेन के ऊपर आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ में या के पैर में नसों में बहुत ज़्यादा उभार आ जाता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसको पकड़ के आप ऐसे गुच्छे आकार के गुच्छे गुच्छे बन जाती हैं और बाहर निकल जाएंगी। ऐसे केस के लिए इससे बेहतर रेमेडी हमने और नहीं देखा फ्रेंड्स। इसका बहुत अच्छा हमने ऐसे में रिजल्ट पाया है। अगर ऐसा वेनस कंजेशन का हो जिनको वेरिकोस वेन की समस्या हो, एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, नर्व से हो रही है, आर्टरी से हो रही है, ऐसे कंडीशन के लिए यह रेमेडी बहुत ही यूनिक रेमेडी है फ्रेंड्स। और बहुत सारी रेमेडीज हैं फ्रेंड्स, बिकॉज लेजियस आपके कुछ बंगालीज और भी रेमेडीज हैं, आपका मैग्नीफेरा इंडिका भी हो सकती है, फ्राइटिस हो सकती है, कई रेमेडीज हैं, पर स्पेशली अगर वीनस कंजेशन है और उसके ऊपर किसी प्रकार की समस्या है, ब्लीडिंग हो रही है, इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन है फ्रेंड्स। इसके साथ आपको बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि सोरनेस के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ महिलाओं में होने वाली जो समस्याएं हैं उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, स्पेशली एक्सेस ब्लीडिंग जब उनके होना शुरू हो जाती है ऐसे कंडीशन में भी इस रेमेडी को दिया जाता है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कुछ लोगों में पाइल्स की समस्या रहती है और उनकी जो नर्व्स होती है एनस की, उसमें से उभार आ जाता है, बाहर दिखना शुरू हो जाती हैं और उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ऐसे कंडीशन के लिए यह रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश किया, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।